मीठे वाली राखी मैंने पसंद की भैया के लिए। हैप्पी आयशा ब्लॉग में आप सभी का फिर से एक बार दिल से स्वागत है। आज मैं जा रही हूँ अपने भैया के लिए, अपने प्यारे प्यारे भैया के लिए राखी लेने के लिए कुवैत में। एक्चुअल मुझे पता नहीं है कि राखी मिलती कहाँ पे है। इन्होंने इनके एक फ्रेंड को बोल के रखा है जिसका यहाँ पे एक शॉप भी है, जलीब में कुछ उनका शॉप भी है। तो बस वो कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे राखी अवेलेबल करवाए, वो कहीं से लेकर आकर रखने वाले हैं अपने शॉप में। अगर हो सकता है मुझे आसानी से राखी मिल जाए, अगर नहीं मिली तो फिर मैं थोड़ा सा सर्च करूँगी। तो बस मैं राखी लूँगी और कुरियर कर दूँगी। एक तो हम शाम में जा रहे हैं तो पता नहीं पॉसिबल आज होगा कि नहीं, लेकिन पूरी कोशिश करूँगी मैं अपने भैया के लिए राखी भिजवाने की। तो कहाँ से राखी लेती हूँ, कैसे कुरियर करती हूँ, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। तो प्लीज़ ऐसे ही मेरे ब्लॉग को देखा कीजिए, जल्दी से जल्दी मेरे इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आने वाले मेरे वीडियोस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो बस आप इसी तरह मेरे ब्लॉग को देखा कीजिए। देखिए देखिए कितना प्यारा सनसेट है, स्पीड देखिए गाड़ी का कितना है। देखिए वो है कॉन्कास्ट मार्केट जो पीछे, वहाँ पे वेजिटेबल मिलता है बहुत फ्रेश और हर टाइप के इंडियन वेजिटेबल फ्रूट सब कुछ मिलता है उस मार्केट में। अब हम जा रहे हैं इस ओर। देखिए अभी आगे आ रहा है जबेल अहमद इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम। शाम के टाइम कितना अच्छा लगता है। ये देखिए जूम करके दिखाती हूँ, इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम है जबेल अहमद फुटबॉल स्टेडियम। एक कैप के जैसा शेप है इसका। ये देखिए यहाँ पे कैसे ट्रैफिक हो गई है, कितना खूबसूरत लग रहा है कुल। ये देखिए 360 मॉल, हम कभी आएंगे तो ये भी दिखाएंगे अंदर से। तो बहुत ज़्यादा फेमस मॉल है यहाँ का। फिलहाल ट्रैफिक जाम है। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। इंडियन स्कूल है।
पहुंच रहे हैं अपने डेस्टिनेशन जिसका नाम है जलेब शेक। ये देखिए वो हम जा रहे हैं राखी लेने के लिए। अभी हम उतरे हैं गाड़ी से अपने। एरिया जो है जली बेल स्वीट का। देखिए यहाँ पे ऐसी चीजें भी मिलती हैं। अभी हम रुके एक शॉप में जहाँ से देखेंगे अब राखी कैसी मिलती है। नकाब भी मिलते हैं यहाँ पे अलग अलग तरीके के। देखिए मेरे लिए भैया ने राखी मंगाई है। हाँ ये अच्छी लग रही। अच्छा है दो फिर कितने लोग राखी जो है हमें डेढ़ केड़ी के हिसाब से मिली थी। मतलब इंडिया के 400 होते हैं ऐसे दो राखियाँ लिए हमने मतलब 800 रुपए हो गए थे दो राखी। तो देखा आपने अभी हमारी फाइनल राखी लेकर हो गई है। दिखाती हूँ मैं आपको ये वाली राखी मैंने पसंद की भैया के लिए। अभी हम उसको कुरियर करेंगे। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी शॉप में हर ज़रूरत की चीज़ें रोज़मर्रा की सब कुछ छोटी मोटी चीज़ें एक ही जगह मिल रही थी। मुझे आराम से सुई धागे से लेकर बड़े बड़े एक्सेसरीज तक मुझे यहाँ पे चूड़ियाँ तक अवेलेबल थी। मतलब राखी की दुकान नहीं है ये तो सब लोकल ही है लेकिन यहाँ पे हमें इजी तरीके से ये जो हमारे हस्बैंड के फ्रेंड थे उनकी पहचान से उन्होंने सुबह ही ऑर्डर किया था हमारे लिए तो बस मुझे वो आसानी से मिल गई। अभी मैं वो लेकर कुरियर कर दूँगी। देखिए क्या कुछ नहीं था इस शॉप में। वॉच वगैरह स्टाइलिश वॉच स्मार्ट वॉच सब कुछ था। प्लस इसके साथ ये देखिए लेडीज़ की भी सारी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। मॉइस्चराइज़र छोटे बच्चों के कपड़े जैकेट्स नकाब वगैरह छोटी मोटी चीज़ें पर्स सब कुछ छोटे बच्चे के खिलौने जहनमाज सब कुछ एक जगह पे आराम से मिल रहा था। अरे राखी कुरियर करने देखिए ऐसे कुरियर के कुछ शॉप ही है। देखिए यहाँ का कुछ सब ये देखिए चांद जहाँ पर भी इंडिया में चंद्रयान 3 गया है। ये देखिए गर्मा गर्म कद्दू। हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की ओर। यहाँ पे ऐसी पार्किंग ये सब तरफ हवा भी एकदम गर्म गर्म महसूस हो रही है। कल फिर से हम आएंगे हमारा थोड़ा काम है अभी कुरियर ठीक से हुआ नहीं है। कल कुरियर करेंगे और उसका वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अब हम बस जा रहे हैं घर। तो हम आए गाड़ी के अंदर। कुएं देखना है तो बस शाम के वक्त। अभी आगे आगे आने वाले व्लॉग में भी बहुत अच्छे अच्छे जहाँ भी जाऊँगी सीनरी कुछ भी अच्छी होगी कुछ भी अलग दिखेगा मैं सबके वीडियोस बनाकर शेयर करूँगी। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक का बटन दबाइए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकॉन का दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि जैसे मैं नए वीडियोज़ अपलोड करूँ आप तक पहुँच सकूँ।